सर, रघु सर और शीन के लिए जो हो सकता था मैंने वो सब किया सर, लेकिन अब और नहीं। मेरी जिंदगी का एक ही मिशन है और वो क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। वो किसी के लिए नहीं बदल सकता सर, मैं ETF ज्वाइन नहीं कर सकता सर। सिकंदर के लिए भी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास सिकंदर को ढूंढने की वजह मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी है, पर सिकंदर को उसके जुर्मों की सजा मैं भी देना चाहता हूं। हमारी खुफिया एजेंसी को एक ऐसी कड़ी मिली है जो हमें सिकंदर तक पहुंचा सकती है। मुझे वो लीड चाहिए सर। जानता हूं, खोज जारी है, बहुत जल्द हमें कोई लीड मिल जाएगा। पर हां, यह केस सिर्फ ETF को सौंपा जाएगा। साइन किया है 21 साल की वो लड़की जो मरीन ड्राइव के हाई राइज से नीचे कूद गई थी, कनिका, उसका केस। उस लड़की ने तो ड्रग्स के नशे में सुसाइड की थी ना। ये ओपन एंड शट केस ETF क्यों दे रहे हैं? क्योंकि केस अभी शट हुआ नहीं, उसकी फैमिली भी बहुत अपसेट है। उन्होंने राजस्थान की मीडिया को स्टेटमेंट दिया है कि कनिका ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेती थी। ये शायद वो फैमिली की इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मीडिया स्टोरी को सेंसेशनलाइज करने के लिए कह रही है कि पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो किसी और का कचरा अब हमें उठाना पड़ेगा। नहीं, उठा के डब्बे में डालना होगा। विटनेसेस के स्टेटमेंट्स फिर से रिकॉर्ड करो, रूल्स के हिसाब से जो बन पड़ता है करो, एक रिपोर्ट बनाओ और कमिश्नर ऑफिस भिजवा दो। डस्टबिन ड्यूटी खत्म। और दूसरी बात, कमिश्नर साहब के ऑर्डर से अर्जुन आज से ETF टीम का हिस्सा है, मेरा सेकेंड इन कमांड। और इस केस में मैं पूरी टीम से कोऑपरेशन की उम्मीद रखता हूं। किसी को अलग से रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा। इस आदमी के साथ कैसे काम करेंगे यार? इन दोनों के साथ हम कैसे काम करेंगे? ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे? और मैं जैसे मुड़के जा रहा था, धर्म आवाज सुना, देखा था गाड़ी के ऊपर मेरा सामने गिर पड़ी थी और मैंने पुलिस को फोन लगाया। बस चलो ठीक है, तुम जाओ। आपको आने की जरूरत नहीं थी, रिया और मैं मैनेज कर सकते हैं। अगर मैनेज कर पाते तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लक्ष्मी देवी, ACP राठौड़। नहीं नहीं, बैठी रही, मैंने पेपर वर्क का काम शुरू करवा दिया, बस एक दो दिन और। कनिका की बॉडी क्लेम करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसी कोई माँ हो सकती है जिसे अपनी बेटी की लाश लेने में कोई तकलीफ ना हो? I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आप लोगों को यह बताने आया था कि हमारा डिपार्टमेंट केस की पूरी तहकीकात कर रहा है, लेकिन प्लीज जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते आप मीडिया से बात मत कीजिए। पहले पुलिस ने मीडिया के सामने कहा कि मेरी बहन ड्रग्स लेती है। सवाल अगर हमारी परिवार की इज्जत का होगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। ACP साहब, राठौड़ साहब, हमारी बेटी ने कभी कोई नशा नहीं किया, वो कमजोर हो सकती है, अपने आप को मार भी सकती है, और यही अगर उसका फैसला था तो हम उसे भी मान लेंगे, समझौता कर लेंगे अपने आप से। पर अगर इस तरह से हमारे परिवार की बदनामी होगी तो हमारी छोटी बेटी के भविष्य का क्या होगा? कौन करेगा उसे ब्याह? आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से कोई भी मीडिया से बात नहीं करेगा, और जैसे ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं मैं खुद आके आपको बताऊंगा।
मैं और मेरी वाइफ जरूरी काम से दिल्ली गए थे। हाँ, वो पार्टी इसने अरेंज की थी, लेकिन आप विश्वास कीजिए, उस एक्सीडेंट से इसका कुछ लेना देना नहीं। स्टेटिस्टिक कहती है कि ऐसी पार्टीज जो थ्रो करता है 70% ऑफ द टाइम्स वही ड्रग का इंतजाम करता है। मिस्टर आहूजा, अगर आपके बेटे और कनिका के मौत के बीच ड्रग्स या कोई भी लिंक हमें मिला तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। शुभेक, मैं कुछ कहा तुमने? मैंने नहीं, हाँ वो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, हो सकता है कनिका डिप्रेस रही हो या सिंपली होश खो बैठी हो और गिर गई हो। किसी ने उसे गिरा दिया हो, किसी ने उसको यहाँ ऊपर से धक्का दिया हो। नहीं हो सकता सर, सुसाइड केस है और इसकी एक आई विटनेस भी है, अंजलि, जिसने उसे कूदते हुए देखा है और ये सब पुलिस रिकॉर्ड में मेंशन है। रिया, मुझे पता है तुम डेटा रिकॉर्ड और परसेंटेजेस के रट्टे बहुत अच्छी तरह लगा लेती, पर कई बार आंकड़े पूरा सच नहीं बताते। तुम लड़की हो ना? एक्सक्यूज मी, आपको शायद लड़कियों के साथ काम करने में बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन मैं यहाँ तक अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से पहुंची हूँ। तुम यहाँ तक पहुंची हो रिया, लेकिन कनिका वहां तक नहीं पहुंच सकती। तुम लड़की हो, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए याद दिलाया कि शायद तुम्हें बेहतर अंदाजा हो कि कनिका ऐसे में इस दीवार पर खुद नहीं चढ़ सकती। क्यों नहीं? ये बताओ, हमें किस बात की सजा मिल रही? अपने पिछले जन्मों की बुरे कर्मों की ना? लेकिन ये सब करना जरूरी नहीं था। फिर उसे कहने का मौका मिल जाता कि लड़की फील्ड के लिए नहीं है, उसे वापस रिसर्च डेस्क पे भेज दो। इधर आओ, ऊपर चढ़ो। उसके बाद कूदना भी है सर। चढ़ पाओगी तब ना, कोशिश तो करो। छोटू प्लीज। हाथ तो उसे मैं भी दे सकता था, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि वो बिना मदद के ऊपर चढ़ सकती है कि नहीं। कनिका भी ऐसी छोटी ड्रेस और ऊंची सैंडल पहन के इस दीवार पर खुद नहीं चढ़ सकती थी, मतलब किसी ने उसे धक्का दिया है। समझे या समझाऊं? अब चले उस आई विटनेस अंजलि से मिलने। इसे उठा के फेंक दूं क्या? Not a bad idea. मैं कुछ दोस्तों से बातें कर रही थी, तभी मैंने कनिका को पेंट हाउस के पीछे हाथ में ग्लास लिए हुए जाते हुए देखा। वो काफी ड्रंक लग रही थी, इसलिए मैं उसके पीछे गई, पर जब मैं वहां पहुंची वो बाउंड्री वॉल के ऊपर खड़ी थी, और इसके पहले मैं कुछ कर पाती उसने। अंजलि, जो ग्लास कनिका के हाथ में था वो भरा था या खाली? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कनिका ने अपनी आखिरी ड्रिंक खत्म की थी कि नहीं। उसकी लाश के आसपास हमें कुछ कांच के टुकड़े मिले थे। हाँ, ग्लास ऑलमोस्ट खाली था। Are you sure? हाँ, ऑलमोस्ट खाली था। उसने आखिरी सिप लिया और वो कूद गई। तुम झूठ बोल रही हो अंजलि।
ये क्या बकवास है? जब कनिका गिरी तो उसके हाथ में कोई ग्लास था ही नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? ग्लास उसके गिरने से पहले गिरा था, क्योंकि गार्ड ने पहले उसकी नहीं कांच टूटने की आवाज सुनी थी, जिसके बाद वो वहां पहुंचा और उसके बाद कनिका आकर उसके सामने गिरी। ग्लास शायद उस हाथापाई में गिरा हो जब उसे ऊपर से कोई धक्का दे रहा था। इससे बड़ी बड़ी थ्योरीज कोर्ट में मैं आपको सुनाऊंगा, अगर आप नहीं गए तो। सोच लीजिए मिस्टर दीवान, आप खुद एक वकील हैं और कानून को अच्छी तरह जानते हैं। हम आपकी बेटी को शक और गलत बयान देने के बिना पर अरेस्ट कर सकते हैं, ऊपर से फिर ढेर सारी मीडिया कवरेज, उनको कितना अच्छा लगेगा ना मिस्टर दीवान ये लिख के कि एक वकील की बेटी को जेल। आप समझे या समझाऊं? I swear, मेरा उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं है। पता है, बस ये जानना चाहता हूं कि तुमने झूठ क्यों बोला। वो बस परेश। परेश? इसने पार्टी दी थी? उसने वो पार्टी वाली रात उसने कनिका के बैंक में कुछ मिलाया था, उसके बाद मैंने कनिका पर नजर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एकदम से गायब हो गई। फिर पता चला कि वो गिर गई है। मैंने परेश को ढूंढने की कोशिश की तो परेश भी नहीं मिला। तो मैं तो तुमने परेश को बचाने के लिए झूठ बोला, क्योंकि तुम उससे प्यार करती। लेकिन हम कैसे यकीन कर लें कि तुम अब झूठ नहीं बोल रही हो? हो सकता है परेश और कनिका एक दूसरे को पसंद करते हो और तुम उससे जलती हो और तुमने उसे धक्का दे दिया और अब तुम इल्जाम परेश के ऊपर लगा रही हो। ये धक्का नहीं दे सकती थी राठौर, क्योंकि जिसने भी कनिका को धक्का दिया है उसे कनिका को 4 फुट की दीवार के ऊपर से उठा के फेंकना पड़ा होगा। छोटू, परेश को लेके आओ। यस सर। आंकड़ों के अनुसार जुनून में किए गए अपराध में 60% लोग जिनसे प्यार करते हैं उनका जुर्म छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। इस लड़की ने भी यही किया। मैं भी मेरी रूबी को बचाने के लिए अक्सर झूठ बोलता हूँ। क्या? मेरी रूबी? अब सीक्रेट बाहर आ गया ना तुम्हारा। मेरी रूबी मेरी पेट पोमेरियन है। साइज देख के लगता नहीं तुम्हारा कि इतना सॉफ्ट साइड भी है। अनलाइक अदर्स, वो अर्जुन अगर उसका बॉडी कंपोजिशन चेक करेंगे ना तो पक्का 70% पत्थर ही निकलेगा। इमोशंस है ही नहीं, दिल भी नहीं होगा, और पता है कभी किसी से प्यार भी नहीं किया होगा। उसकी बीवी थी। क्या? उससे इसके बारे में पूछना मत, मैं बाद में बताऊंगा। कहा था ना लिंक मिला छोड़ेंगे नहीं। चल। हाँ, मैंने उसके ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी, पर मैंने उसको मारा नहीं। मैं तो बस उसके नशे में होने का फायदा उठाना चाहते थे। I'm sorry for what I did, sir. मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जब कनिका नीचे गिरी उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं टॉयलेट में था। जगह भी ऐसी चुनी जहां उसी वक्त 2-4 लोग होने का दावा भी नहीं कर सकते। सच है सर। रिलीफ। मैं बताता हूं क्या हुआ था। हर अमीर लड़के की तरह जिसे जो चाहिए वो पाने की आदत है तुम्हें, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया जब कनिका ने तुम्हें भाव नहीं दिया। तुमने धोखे से उसे ड्रग किया, फिर टेरेस पे अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसने रेजिस्ट किया तो तुमने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया। ऐसा मैं ऐसे कैसे? सच को बता रहा है कि उस वक्त तुम अपने टॉयलेट में थे।
लक्ष्मी देवी, हमने कनिका के कातिल को पकड़ लिया है। किसने ली उसकी जान? उसी के एक दोस्त ने, जिसने पार्टी दी थी। लेकिन प्लीज अभी आप मीडिया से बात मत करिएगा। जी, हम समझ सकते हैं। परेश ने किया। तुम पागल तो नहीं हो गया? पहले कहते हो ये मर्डर है, और अब जब मोटिव क्लियर है तो तुम कह रहे हो कि उसने नहीं किया। सोचो राठौड़, घर पे कोई नहीं था, चारों कमरे खाली थे, तो वो ऐसी हरकत छत पे क्यों करेगा जहां से कोई भी पकड़ लेता? क्योंकि वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, सोच समझ के क्राइम करने वाला कोई पेशेवर मुजरिम नहीं। घर पे पार्टी तब करना जब घर पे कोई ना हो, उसके बाद कनिका को बुलाकर उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाना। ये सब तो काफी सोची समझी प्लानिंग है, तो आखिरी स्टेप की प्लानिंग क्यों छोड़ दी उसने? यहाँ दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, मेरी टीम में हर एक इंसान सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बेस्ट है। तो मतलब अब तुम उस लड़के पे केस सिर्फ इसलिए चलाओगे क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि वो बेकसूर है? इतनी घटिया सोच नहीं है मेरी। तलाश सच की करनी है या मुझे गलत साबित करना है, ये फैसला आपका है। सर, तुमने कभी किसी को फांसी पर लटकते हुए देखा है परेश? सबसे पहले गर्दन की हड्डी टूट जाती है, फिर सांस रुकने लगती है, धीरे धीरे फांसी का फंदा गले पे कसने लगता है, आंखें बाहर आ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली इंसान फिर भी जिंदा रहता है, इवेंचुअली वो मर जाता है, लेकिन तकलीफ आखिरी सांस तक रहती है। अगर हमने तुम्हारे ऊपर मर्डर का केस लगाया तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। अब बताओ, लेकिन इस बार सच कहां देता हूं? मैं उस वक्त कोकीन खरीद रहा था। आसिफ उस वक्त डिलीवरी देने मेरे घर आया था। मैंने ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक है। पीछे मेरी फैमिली है। डरो मत परेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। श्री सर, आसिफ को उठाओ और पता करो ये सच बोल रहा है या नहीं। ओके सर। और हमें उन सबसे भी पूछताछ करनी होगी जो उस रात पार्टी में थे। ऑफ कोर्स, आपकी परमिशन के बाद सर। सर, डीलर आसिफ ने कबूल कर लिया। जब कनिका गिरी तो परेश को ड्रग बेच रहा था। पार्टी में मौजूद सभी लोगों से हमने पूछताछ की, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं, कुछ तो छूट रहा है कहीं। कुछ भी तो नहीं छूट रहा, सब डिटेल्स है। कई बार हम लोग डिटेल्स में इतना खो जाते हैं कि सामने पड़ी हुई काम की चीज को भी नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि ये पिंक स्कार्फ जिस फोटो में कनिका ने पहना था, पर उसकी लाश के आसपास कहीं नहीं था, तो वो गया कहां? हो सकता है जिसने भी कनिका को धक्का दिया हो, जल्दबाजी में वो स्कार्फ उसी के हाथ में उलझ के रह गया। इसका मतलब यह है कि स्कार्फ मिला तो खूनी मिल जाएगा, लेकिन खूनी स्कार्फ फेंक भी सकता है, जला भी सकता है, या स्कार्फ उड़ भी सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मैं किलर के मिलने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि स्कार्फ ना होने का मुझे और कोई रीजन नजर नहीं आता। हो सकता है स्कार्फ पार्टी में उड़ गया हो या फिर गिर गया हो। इस फोटो का टाइम देखो, कनिका पीछे से जा रही है और स्कार्फ है ठीक उसके 5 मिनट बाद, उसकी लाश के आसपास नहीं है।
पुलिस ने जहां ये बॉडी गिरी थी उसके 500 मीटर के पेरीमीटर में चेकिंग तो की थी ना, तो हवा इतनी तेज तो चल नहीं रही थी कि लाश यहां गिरी हो और स्काफ 500 किलोमीटर दूर जाकर। इसका मतलब किलर तो है, समझे या समझाऊं? लेकिन आप क्या करें? पार्टी में हमने जिससे भी बात की सबने सिर्फ एक बात कही थी कि कनिका डिप्रेशन में थी, कुछ परेशान लग रही थी, किसी से कुछ ज्यादा घुल मिल नहीं रही थी, पर कोई नहीं जानता था क्यों। लेकिन एक इंसान है जिससे हमने सिर्फ उसी के बारे में पूछा और कनिका के बारे में नहीं, और वही है जो कनिका के बारे में सबसे ज्यादा जानता था। मुझे सिर्फ इतना ही पता कि उसके शहर जयपुर से कोई लड़का राजेश उसे तंग करता, उसे बार बार फोन करता था। कनिका की डेथ से एक हफ्ता पहले वो मुंबई आया था, उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उस दिन मैं और अंजलि उसके घर पे ही थे, फिर वो चला गया, दोबारा उसका फोन नहीं आया। लेकिन जॉय और कनिका में झगड़ा हो गया। जॉय? कनिका का बॉयफ्रेंड। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।